Hello parents and my dear students, welcome to online classes of Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 2, Subject GK, Chapter 10, Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school classes will be open, then you may clear to related teacher. आपको इस लेक्चर के दौरान अगर कोई भी डाउट होता है तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, और जब आपकी स्कूल क्लासेस ओपन होंगी तो आप अपनी रिलेटेड टीचर से पूछ सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द चैप्टर. थीम हेडिंग GRAMMAR, ग्रामर, AND एंड, LAN, GUA, GE, लैंग्वेज, व्याकरण और भाषाएं. ग्रामर एंड लैंग्वेज होता है व्याकरण और भाषाएं. चैप्टर हेडिंग PROPER, प्रॉपर, AND एंड, COMMON, कॉमन, NOUNS, नाउंस, प्रॉपर एंड कॉमन नाउंस. प्रॉपर एंड कॉमन नाउन का मतलब होता है उचित और सामान्य संज्ञा. ओके, नाउ व्हाट इज़ अ नाउन? नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनिमल, प्लेस, पर्सन और थिंग. नाउन क्या होता है? कोई ऐसा नाम जो किसी पर्टिकुलर जानवर का है, किसी जगह का है, किसी व्यक्ति का है या किसी चीज़ का है, वो चीज़ों को बोलते हैं नाउन या संज्ञा. ओके, नाउ व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इज़ अ पर्टिकुलर थिंग्स. All the particular things comes under proper noun, which are only one, like example is sun, moon. Okay. Proper noun क्या होते हैं? वो कुछ ऐसे नाम जो किसी एक ही चीज़ के लिए लिए जाते हैं, जैसे कि सूरज एक ही होता है, चाँद एक ही होता है, right? ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल पर्टिकुलर होती हैं या बिल्कुल एक ही होती हैं, उन्हीं के लिए यूज़ किए जाने वाले नाम या वर्ड्स जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं. और कॉमन नाउन वो होते हैं जो किसी एक चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं लेकिन वैसी और भी चीज़ें होती हैं. ठीक है, जैसे एप्पल या बनाना, दीज आर द कॉमन नाउन्स. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू. COLOUR, color, THE, the, CIRCLE, circle, RED, red, if, THE, the, NAME, name, OF, of, THE, the, OBJECT, object, GIVEN, given, INN, THE, the, PICTURE, picture, IS, is, a, COMMON, common, NOUN, noun, AND, COLOUR, IT, it, GREEN, green, IF, if, THE, the, NAME, name, IS, is, a, PROPER, proper, NOUN, noun. Color the circle red if the name of the object given in the picture is a common noun, and color it green if the name is a proper noun. अब यहाँ पे जो images दी हुई हैं उनको देख के हमें proper और common noun बताना है उनका. Okay? So the first picture is of a table, TABLE, table. Table can be of different types and there are so many tables also. Okay? So it is a common noun, right? So table is a common noun. Table common noun क्यों है या सामान्य संज्ञा क्यों है? क्योंकि table जो होता है वह एक particular चीज़ का नाम है, लेकिन वो जो चीज़ है वो कई तरीके की हो सकती है. Wooden table हो सकती है, plastic table हो सकती है, iron table हो सकती है, काफ़ी सारी tables हो सकती हैं, right? So table एक कॉमन नाउन है, सो मार्क इट एज रेड. नेक्स्ट इमेज इज ऑफ ताजमहल, TAJ,
MAHAL, ताजमहल। ताजमहल इज़ अ प्लेस, ताजमहल एक जगह का नाम है और ये दुनिया में सिर्फ एक ही है, दिस इज़ ओनली वन इन द होल वर्ल्ड। ओके, सो दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज़ फेंस, FENCE, फेंस। फेंस यानी बाउंड्रीज। ओके, सो बाउंड्रीज तो अलग अलग टाइप की होती हैं, कोई वुड बाउंड्री बनाता है, कोई कोई अलग टाइप की बाउंड्री बनाता है, जैसे लोहे की बनाता है, कोई ईंटों की दीवार बनाता है, ऐसी बाउंड्रीज बनाता है, राइट। फेंसेस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, इट कैन बी ऑफ वुडन, इट कैन बी ऑफ वायर्स लाइक विच वी आर सीइंग इन द पिक्चर, इट कैन बी ऑफ स्टोन्स, इट कैन बी ऑफ ब्रिक्स, राइट। सो फेंस इज़ अ कॉमन नाउन, सो मार्क इट एज रेड। नेक्स्ट द पिक्चर इज़ ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, ATAL, अटल, BIHARI, बिहारी, VAJPAYEE, अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, ही इज़ ओनली वन पर्सन हुज़ नेम इज़ अटल बिहारी वाजपेयी, सो इट इज़ अ प्रॉपर, सॉरी, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। अटल बिहारी वाजपेयी की पिक्चर है अगली नंबर पे। तो ये जो ए नाम है वो किसी एक व्यक्ति को डिस्क्राइब करता है, एक ही व्यक्ति के लिए लिया जाता है। तो पिक्चर में जो व्यक्ति है वो, उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, और इसी फेस के या इसी इन्हीं व्यक्ति के अलग नाम नहीं है, राइट। सो ये क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, नाउ लेट्स नो विथ डेरिक। व्हेन अ प्रॉपर नाउन, WHEN, व्हेन अ PROPER, प्रॉपर, NOUN, नाउन, HAS, हैज, TOW2, OR, और, MORE, मोर, WORDS, वर्ड्स, THE, द, FIRST, फर्स्ट, LETTER, लेटर, OF, ऑफ, EVERY, एवरी, WORD, वर्ड, IS, इज, CAPI, TALI, SED, कैपिटलाइज्ड, FOR, फॉर, EXAMPLE, एग्जाम्पल, NEW, न्यू, YORK, यॉर्क, CITY, सिटी, न्यूयॉर्क सिटी। व्हेन अ प्रॉपर नाउन हैज़ टू और मोर वर्ड्स, द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इज कैपिटलाइज्ड, फॉर एग्जाम्पल, न्यूयॉर्क सिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसमें अगर एक या एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं, तो जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सब वर्ड्स का पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है, जैसे न्यूयॉर्क सिटी। अब यहाँ पे तीन शब्द हो गए, न्यू, यॉर्क और सिटी, तो हर शब्द का पहला अक्षर जो है उसे कैपिटल में लिखा गया है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। नाउ हियर वी हैव अ ब्लैक बोर्ड, BLACKBOARD। ब्लैक बोर्ड कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ओके, और इट कैन बी मोर देन वन, ओके, बट एवरी बोर्ड इज़ नोन एज अ ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग जगहों पे हो सकते हैं, राइट। और ये एक नाम है ब्लैक बोर्ड, लेकिन ये अलग अलग हो सकते हैं, इनकी गिनती की जा सकती है, सो दिस इज़ अ कॉमन नाउन। ओके, नेक्स्ट इज़ अ इमेज ऑफ अ एप्पल, APPLE, एप्पल। एप्पल कैन बी नंबर, कैन बी इन डिफरेंट नंबर्स, राइट। इट कुड बी टू एप्पल्स, थ्री एप्पल्स, फोर एप्पल्स, फाइव एप्पल्स, राइट। सो एप्पल इज़ अ कॉमन नाउन। एप्पल जो है वो अलग अलग नंबर्स में हो सकते हैं, एक एप्पल हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पाँच, दस, ऐसे। तो एप्पल एक कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट इज रिवर गंगा, RIVER, रिवर, GANGA, रिवर गंगा। नाउ रिवर गंगा इज़ ओनली वन रिवर, राइट। इट कैन नॉट बी एनी अदर रिवर हुज़ नेम इज़ रिवर गंगा,
सो इट इज़ अ कॉमन नाउन। रिवर गंगा या गंगा नदी जो है वो एक ही है पूरी दुनिया में, राइट? ऐसी और कोई नदी नहीं है जिसका नाम रिवर गंगा के नाम से हो या गंगा के नाम से उसका उसको बुलाया जाता हो। तो ऐसा कोई और रिवर नहीं है, राइट? सो इट इज़ अ कॉमन नाउन। सो मार्क इट एज ग्रीन। नेक्स्ट इमेज इज ऑफ बिग बैन, BIG, बिग BEN, बैन, बिग बैन। बिग बैन इज़ इन लंदन, ओके? रिमेंबर, बिग बैन इज़ इन लंदन। सो बिग बैन इज़ ओनली वन नेम ऑफ अ बिग क्लॉक विच इज़ इन लंदन। देर इज़ नो अदर बिल्डिंग नेम्ड एज बिग बैन। जो बिग बैन है वो लंदन में है और ये अकेली ऐसी बिल्डिंग है जिसका नाम बिग बैन है। ऐसी और कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं है जिसका नाम बिग बैन हो। सो दिस इज़ अ कॉमन नाउन, सॉरी दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन। सो मार्क इट एज ग्रीन। नेक्स्ट इज़ अ फ्लास्क, FLASK, फ्लास्क यानी जग, ओके? सो फ्लास्क कैन बी ऑफ डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट साइजेस, राइट? तो जो जग होते हैं या जो फ्लास्क होते हैं वो अलग कलर के हो सकते हैं, अलग शेप के हो सकते हैं, अलग डिज़ाइन के हो सकते हैं, राइट? बट सबका नाम एक ही होता है, सबको फ्लास्क ही बोला जाता है, राइट? सो दिस इज़ अ कॉमन नाउन। नेक्स्ट इमेज इज़ ऑफ गोल्डन टेम्पल, GOLDEN, गोल्डन, TEMPLE, टेम्पल। गोल्डन टेम्पल इज़ अ नेम ऑफ अ होली प्लेस, ओके? एंड इट इज़ ओनली वन इन द वर्ल्ड। देर इज़ नो अदर बिल्डिंग नेम्ड एज गोल्डन टेम्पल, ओके? गोल्डन टेम्पल जो है वो एक पूजनीय स्थान है और ये दुनिया में सिर्फ एक है, कोई दूसरी बिल्डिंग ऐसी नहीं है जिसका नाम गोल्डन टेम्पल हो। सो दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन। सो मार्क इट एज ग्रीन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इन द नेक्स्ट वन वी हैव अ इमेज ऑफ पोमेग्रेनेट, POME, पोमे, GRANATE, ग्रेनेट, पोमेग्रेनेट मतलब अनार। अनार होता है ना, वी आपने सबने खाया होगा अनार, राइट? जिसमें छोटे छोटे लाल कलर के दाने होते हैं जो मीठे मीठे से होते हैं, राइट? सो इट इज़ अ पोमेग्रेनेट। सो पोमेग्रेनेट कैन बी ऑफ डिफरेंट नंबर्स, राइट? एक तो होता नहीं, जैसे एप्पल नहीं होता वैसे ही प्रोमेगेनेट भी एक नहीं हो सकता, वो भी बहुत सारे हो सकते हैं, राइट? सो दिस इज़ अ व्हाट इज़ इट, इट इज़ अ कॉमन, सॉरी इट इज़ अ कॉमन नाउन, ठीक है? ये एक सामान्य संज्ञा है। नेक्स्ट इज कैटल, KETTLE, कैटल। कैटल मतलब केतली। केतली भी कोई एक कॉमन चीज़ तो पर्टिकुलर चीज़ तो है नहीं, इसमें भी काफ़ी सारी टाइप की केटलीज हो सकती हैं और कितने भी नंबर में हो सकती हैं, राइट? कोई सिंगल चीज़ का नाम नहीं है केतली, है ना? बहुत सारी केटलीज हो सकती हैं, ठीक है? सो दीज केटलीज कैन बी ऑफ डिफरेंट नंबर्स इन डिफरेंट क्वांटिटी, राइट? इट इज़ नॉट अ सिंगल पर्टिकुलर नेम ऑफ अ थिंग, ओके? सो दिस इज़ अ कॉमन नाउन। सो कैटल क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट इज अ वाटर मेलन, WATER, वाटर, MELON, मेलन, वाटर मेलन। वाटर मेलन मतलब तरबूज, राइट? तरबूज या वाटर मेलन। वाटर मेलन आर ऑल्सो कॉमन नाउन बिकॉज दे आर नॉट अ नेम ऑफ अ सिंगल थिंग और अ फ्रूट। तरबूज जो होता है, वाटरमेलन या तरबूज जो होता है वो कोई एक तो होता नहीं, वो फ्रूट्स में आता है और वाटरमेलन भी बहुत सारे होते हैं, राइट? जैसे शॉप पे हम खरीदने जाते हैं तो शॉप पे भी बहुत सारे होते हैं, उनमें से कोई एक हम लेके आते हैं या दो हम लेके आते हैं, राइट? तो वाटरमेलन क्या हुआ, एक सामान्य संज्ञा और अ वाटरमेलन इज़ अ कॉमन नाउन, ओके? नेक्स्ट इज़ अ कोआला, KOALA, कोआला। कोआला इज़ एन
animal, okay? It lives in like a monkey on trees. It is a very slow animal, okay? ये जो एनिमल है इसे बोलते हैं क्वाला, ठीक है? ये बंदर के टाइप का ही होता है और ये पेड़ों पे रहता है मोस्टली। और नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही स्लो टाइप का जानवर होता है, बहुत धीरे चलता है, बहुत धीरे उतरता है और बहुत ही प्यारा सा छोटा सा जानवर होता है। नाउ क्वाला इज अ नेम ऑफ अ एनिमल, सो इट इज़ अ नाउन, बट इट इज़ नॉट अ नेम ऑफ अ सिंगल एनिमल, राइट? क्वाला केवल एक ही तो नहीं होता, क्वाला भी बहुत सारे हो सकते हैं, राइट? जैसे पीपल्स मतलब लोग, तो लोग मतलब बहुत सारे लोग हो सकते हैं, है ना? एक ही लोग तो होते नहीं, स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, है ना? वैसे क्वाला जो है वो बहुत सारे क्वालाज हो सकते हैं, एक क्वाला भी हो सकता है, चार भी हो सकते हैं, दस भी हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन बिकॉज इट हैज़ लॉट्स ऑफ नंबर, ओके? इसमें बहुत सारे नंबर में हो सकते हैं, क्वांटिटी में हो सकते हैं, इसलिए ये भी एक सामान्य संज्ञा है और अ प्रॉपर नो और अ कॉमन नाउन। नाउ लेट्स सी ग्रो विथ डेरिक, ओके? अब हम क्या देखेंगे, डेरिक ने हमें क्या चीज़ करने के लिए कहा है। आई एन एन एफ आई वी ई फाइव एम आई एन यू टी ई एस मिनट्स इन फाइव मिनट्स एम ए के ई मेक अ एल आई एस डी लिस्ट ओ एफ ऑफ ए एस एस एम ए एन वाई मैनी पी आर ओ पी ई आर प्रॉपर एन ओ यू एन एस नाउंस A N D and C O M M O N common N O U N S nouns T H A T that Y O U U C A N can T H I N K think O F of In 5 minutes make a list of as many proper nouns and common nouns that you can think of. अब हमें क्या करना है कि 5 मिनट में जो है हमें अलग अलग नाम निकालने हैं या नाम बोलने हैं, याद करने हैं, जो प्रॉपर नाउन होते हैं या और कॉमन नाउन, दोनों के 5-5 नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आने वाले नाम याद रखने हैं, ठीक है? अब प्रॉपर नाउन में कैसे हो सकते हैं, अभी मैंने आपको समझाया, हाउ कैन बी वी कैन से दैट द नेम इज अ प्रॉपर नाउन और अ कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन कैन बी राहुल, दिल्ली, ओके? राहुल दिल्ली एंड लाइक दिस। एंड व्हाट विल बी द कॉमन नाउन्स, चेयर्स, कार्स, साइकिल्स, राइट? दीज कैन बी ऑफ कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन में हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे कैसे नाम ले सकते हैं, राहुल, पंकज, दिल्ली, अजमेर, गुजरात, राइट? ये क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। और कॉमन नाउन क्या हो जाएंगे, कुर्सी, गाड़ी, कार, साइकिल, पेंसिल, रबड़, ये सब चीज़ें क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई, ओके? सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to search and write the names of proper noun and common noun, any 5 in your rough copy, okay? And learn what are proper noun and common noun, okay? So thank you for attending the lecture. Have a great day.